अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पॉट द टेस्ट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। आज मैं आप सबके लिए स्पेशल बीफ निहारी की रेसिपी लेके आई हूँ और ये मेरी फैमिली की फेवरेट है। आप चाहें तो इसको मटन में भी बना सकते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो आइए देखते हैं इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले हम बीफ बोंग ले लेंगे 1 kg, ड्राइड मसाले ज़ीरा 1 tablespoon, धनिया 1 tablespoon, साबुत काली मिर्च 1 tablespoon, लौंग 7 से 8 अदद, तेज़पत्ता 1 अदद, दालचीनी 1 से 2, इलायची 7 से 8 अदद, सौंफ 1 tablespoon, अदरक छोटी प्याज फ्राई हुई हुई, लहसुन 4 से 5 अदद। साबुत मसालों को हम पीस लेंगे। निहारी मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम प्याज अदरक और लहसुन का भी पेस्ट बना लेंगे। ड्राई स्पाइसेस यूँ हैं, रेड चिली पाउडर 1 tablespoon, जायफल जावित्री 1/2 tablespoon, 1 teaspoon हल्दी, पेपरिका पाउडर 1 tablespoon, नमक हसबे जायका और ज़ीरा पाउडर 1 tablespoon। सबसे पहले हम 1.5 cup ऑयल एक पैन में गरम कर लेंगे। ऑयल निहारी में हमेशा ज़्यादा होता है, आप चाहें तो कम भी रख सकते हैं। ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। अब हम इसमें जिंजर अनियन और गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और उसको थोड़ी देर पका लेंगे। अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। निहारी में बीफ बोंग बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये बोंग का गोश्त बहुत सॉफ्ट होता है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और गोश्त को भूनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। और इसको वापस से अच्छे से भूनेंगे। 5 से 10 मिनट हो गए हैं हमें भूनते हुए। अब हम इसमें अपना निहारी मसाला ऐड करेंगे जो कि हमने पीसा था। मज़ीद थोड़ी देर भूनेंगे, मसाले हमारे अच्छे से पक जाएं। चलिए अब निहारी के लिए लावन तैयार कर लेते हैं। मैंने 4 tablespoon मैदा लिया है, मैं इसे 1/2 cup पानी में घोल लूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम छान लेंगे। जो एक्स्ट्रा लम्स हैं वो हम निकाल लेंगे। अब हम अपनी निहारी में ऐड करेंगे। इसको आहिस्ता आहिस्ता हम ऐड करेंगे ताकि लम्स ना बने, और इसको अच्छे से मिलाएंगे और 5 से 6 glasses पानी के डाल के हल्की आंच पे पकाएंगे। निहारी जितनी हल्की आंच पे पकती है उतनी मज़ेदार बनती है। ये देखिए निहारी हमारी अच्छे से पक चुकी है। गोश्त चेक कर लेते हैं, गोश्त भी हमारा अच्छे से गल चुका है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे ताकि तेल ऊपर आ जाए। तेल हमारा ऊपर आ चुका है, जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है हम निकाल लेंगे। निकाल के एक जगह कर लेंगे। अब हम दोबारा पकाएंगे इसको 5 से 10 मिनट के लिए। मैं इसमें 1 teaspoon ड्राइड जिंजर पाउडर डाल रही हूँ, यानी सौंफ डाल रही हूँ। इससे निहारी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छे से मिलाएंगे। निहारी हमारी तैयार हो चुकी है।
देख लें, इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल ठीक है। मैं इसको डिश आउट करती हूँ। जो ऑयल हमने निकाला था वो चाहें तो आप इसमें ऊपर से डाल सकते हैं। इसको गार्निश करेंगे अदरक और हरा धनिया से। स्पेशल बीफ निहारी बिल्कुल तैयार है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी बनी। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी आपसे एक और नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।